में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर के समता सैनिक दल के मुखंडों का कहना है कि टीपू सुल्तान का नाम किताबों से मिटा जा रहा है। ये कह के बीजेपी के विरोध जिला अधिकारी को मनवी की गई है। अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन जो बीजेपी सरकार अपनी चैलेंज चल रही है, चाहे वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह के बारे में हो, चाहे दूसरों के बारे में जो चैलेंज चल रही है, और इस देश का इतिहास बदलाने में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। मुझे लगता है हम जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह का इतिहास पढ़े हैं और दूसरों का इतिहास हम लोग पढ़े हैं, बहुत हमारे में और बीजेपी की सरकार के जो कार्यकर्ता या उनके जो मंत्री हैं उन्होंने जो इतिहास पढ़ा है इस देश का, हमें लगता है बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत डिफरेंस है उनके और हमारे में। ये हर वक्त हज़रत टीपू सुल्तान को लेकर चर्चा में रहती है सरकार। और नेक्स्ट अभी जो आज उन्होंने काम किया है, स्कूल के जो बुकों में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है उनका, उसको निकालने का जो डिसीजन जो केंद्र राज्य सरकार जो ले रही है, इसके विरोध में आज हम डीसी ऑफिस में आके मनवी देने के लिए आए थे। मैं इस मीडिया के और सभी मेरे मीडिया भाइयों के इसमें मैं इस राज्य सरकार को एक वार्निंग देना चाहता हूँ। मतलब मेरा कहना ये है कि जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह के बारे में जो डिसीजन और जो टिप्पणी कर रहे हैं उनको मैं उषा एक ये देना चाहता हूँ, क्योंकि हर वक्त टीपू सुल्तान को लेकर एक कुछ ना कुछ डिसीजन लेते रहते हैं। आज जो इन्होंने टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह के बारे में जो डिसीजन लिया, बहुत बड़ा डिसीजन है। इन्होंने किसे पूछ कर लिया है? ये देशभक्तों की जो जयंती मनाने का होंगे या देशभक्तों के कुछ भी प्रोग्राम में बीजेपी वाले बहुत आड़े आते हैं, और ये खुद जो देशद्रोही हैं, चाहे घोड़से हो चाहे दूसरों की जयंती में, बहुत खुशी खुशी से इन लोगों की जयंती मनाती हैं। क्या ये लोग उनकी जयंती मना सकते हैं? हम टीपू सुल्तान के बारे में कुछ नहीं कर सकते क्या? ऐसा कोई रूल्स इन्होंने पास किया है या क्या, पता नहीं, लेकिन ये बहुत नाटक कर रहे हैं। उन्हें हम वार्निंग देना चाहते हैं, अगर आइंदा इन्होंने इसी तरह टीपू सुल्तान के बारे में या किसी दूसरे देशभक्त के बारे में कुछ भी कहा तो हम डीसी ऑफिस के सामने आके धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम मुकद्दस है।